स्वीटी और आप देख रहे हैं देसी न्यूज। बिहार के शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है, कहें तो यूं खुशखबरी शिक्षकों के लिए आई है जो सीएम नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार सीएम नीतीश कुमार बिहार के शिक्षकों के लिए एक से बढ़कर एक खुशखबरी दे रहे हैं। लगातार एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार की तरफ से शिक्षकों के लिए 1,70,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई शिक्षकों के लिए, तो अब दूसरी तरफ फिर से शिक्षकों के आवास की सुविधा नीतीश कुमार की तरफ से दी जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना, अब शिक्षकों को आवास की सुविधा बिहार सरकार की तरफ से दी जाएगी। ऐसे में हम आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से हाल ही में 1,22,000 शिक्षकों का रिजल्ट दिया गया है। जल्द ही पास हुए सभी शिक्षक पढ़ाने के लिए स्कूल भी जाने लगेंगे। अब नीतीश सरकार ने उन शिक्षकों के अलावा पहले से कार्यरत करीब 4,00,000 शिक्षकों को आवास देने का निर्णय लिया है। स्कूल के पास में ही रहने की व्यवस्था की जाएगी ताकि विद्यालय पहुँचने में लेट ना हो। आपको बता दें कि 29 अक्टूबर को विज्ञापन जारी कर विभाग ने मकान मालिक और रियल एस्टेट कंपनियों से 4 नवंबर तक विभागीय वेबसाइट पर प्रस्ताव मांगा है। जानकारी के अनुसार शिक्षकों के आवास के लिए बिहार सरकार जिला, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत के गांव तक मकान को किराए पर लेगी। इसके साथ ही रियल एस्टेट कंपनी अगर मकान बनाकर देती है तो भी सरकार लेगी। शिक्षक विभाग ने इच्छुक मकान मालिकों एवं रियल एस्टेट कंपनियों से पूछा है कि कितने फ्लैट और मकान तत्काल उपलब्ध करा सकते हैं। यह भी पूछा है कि कितने अगले 1-2 सालों में अतिरिक्त बनवा सकते हैं। इसकी सूची वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि मकान और बहुमंजिला इमारत को मालिकों से प्रस्ताव मांगा गया है कि वह कितने मकान किस जिले में, किस प्रखंड और ग्राम पंचायत में उपलब्ध करा सकते हैं जो पहले से बने हुए हैं। शिक्षा विभाग उसे किराए पर तुरंत ले सकता है। वही रियल एस्टेट कंपनियों या अन्य इच्छुक जमीन मालिकों से जिला, अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय में बहुमंजिला इमारत एवं भवन निर्माण करने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। यहां केवल विभाग के शिक्षक रहेंगे। इन इमारतों को निजी कंपनियां अपने खर्च पर बनाएगी। शिक्षा विभाग उन्हें लंबे समय के लिए लीज पर लेगा और हर महीने किराया भुगतान करेगा। निदेशक प्रशासन द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। मकान मालिक और रियल एस्टेट कंपनियों की ओर से 4 नवंबर तक प्रस्ताव देने के बाद शिक्षा विभाग 8 नवंबर को इनके साथ पटना में बैठक करेगी। बता दें कि हर साल शिक्षकों के वेतन पर 33,000 करोड़ शिक्षा विभाग खर्च करता है। इसमें 8% यानी लगभग 2,500 करोड़ आवास के लिए खर्च किए जाते हैं। आवास भत्ता की कटौती कर यह पैसा लीज पर लिए गए हैं, मकान और रियल एस्टेट कंपनियों को दिए जाएंगे। आपने सुना कि जिस तरीके से लगातार सीएम नीतीश कुमार शिक्षकों के लिए एक से बढ़कर एक खुशखबरी दे रहे हैं, तो वही अब नीतीश कुमार की तरफ से यानी बिहार सरकार की तरफ से बिहार के शिक्षकों के लिए आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देसी न्यूज़। धन्यवाद। एक और